आज यहाँ बैठे हैं। महाराज जी किसी और का सत्संग होता है ऐसी व्यवस्था होती कि पत्ता नहीं हिलता। ये प्रशासन के लोग हमारी हैसियत नहीं समझते। जितने लोग यहाँ कहीं भी किसी गद्दी में इकट्ठा होते होंगे और वहां 40-40, 100-100, 200-200, 500-500 पुलिस वाले लग के व्यवस्था करते हैं, किसी को खरोच नहीं आती। और यहाँ तो अगर ये हमारे पहरेदार ना हो आपके तो यहाँ रास्ते भी बंद हो जाएंगे। मैं प्रशासन से भी ये कहता हूँ, याद रखना, अगर अगली बार जब सत्संग होगा और व्यवस्था अच्छी नहीं हुई तो चैन से सोने नहीं दूंगा आपको। मेरी बात को अच्छी तरह दिमाग में रखना, कोई गलतफहमी मत रखना, कोई गलतफहमी मत रखना। ये मैं समझना कि रविदास होगा सत्संग है और इसकी हैसियत है, हमारी हैसियत ऐसी है कि जब दिल्ली में गुरुवर तो टूटा था तो हमने दिल्ली के तखत को 24 घंटे में हिला दिया था, हमारी हैसियत नहीं आती। इतने हल्के मत समझना, ये जो बाड़े में लोग बैठे हैं ये हमारे सर माथे है, ये हमारी पगड़ी है, ये हमारे गुरु हमारा सम्मान है। और अगर इनके सम्मान पे आ जाएगी तो फिर इसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। प्रशासन शासन के लोगों, आर्मी के चीफ और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद मुजफ्फरनगर के शुक्रताल गद्दी क्षेत्र में पहुंचे। यहां पर आपको बता दें कि आयोजित एक संत गुरु रविदास जी के कार्यक्रम के दौरान अव्यवस्था देकर भीम आर्मी के चीफ और नव निर्वाचित सांसद नगीनाथ से चंद्रशेखर आजाद प्रशासन पर भड़क उठे, जिसका वीडियो आपने अपने देखा। आपको बता दें कि कोशिश की तो चंद्रशेखर आजाद यहां पर मुजफ्फरनगर जिले के अंदर जो संत गुरु रविदास जी के यहां कार्यक्रम आयोजित था वहां पर पहुंचे थे और उस दौरान वहां की अव्यवस्था देखकर वो भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अलग अलग जगहों पर जब धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तब ये प्रशासन के द्वारा वहां पर हर तरीके की सुविधा की जाती है ताकि आगे आने वाले और जाने वाले लोगों के लिए 1% भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां पर संत गुरु रविदास जी के कार्यक्रम के दौरान जिस तरीके से इन लोगों के द्वारा ये अव्यवस्था है वो फैलाई गई है, इस समय काफी ज्यादा नाराज हूं चंद्रशेखर आजाद ने। यही नहीं, यहां पर आपको बता दें कि वो प्रशासन पर कई सारे गंभीर सवाल खड़े करते नजर आए। चंद्रशेखर आजाद पिछले कई दिनों से देखे लगातार प्रशासन और पुलिस कर्मियों की तारीफ करते नजर आते थे। जब नगीना का चुनाव जीतने के बाद वो लगातार पुलिस प्रशासन और जो SDM प्रशासन है उन तमाम लोगों की एक तरीके से तारीफ करते थे, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद ने पूरी तरीके से यहां पर प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। दरअसल आपको बता दें कि संत गुरु रविदास जी के आयोजित इस कार्यक्रम के अंदर किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई सारे दिग्गज नेता भी पहुंचे थे, जहां पर भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने जनता को संबोधित करते हुए जमकर आपको बता दें कि प्रशासन को फटकार है बोला। ये बात आप याद रखना, मैं व्यवस्था देख के आया हूं। अगर हमारे लोग जिम्मेदारी ना उठाएं तो ऐसा लगता है कि यहां कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत गलत बात है, ये हम भी टैक्स देते हैं, दोहरा नहीं चलने देंगे। अगली बार सत्संग होगा तो व्यवस्था ऐसी होगी जैसी दूसरे लोगों के लिए होती है और हमें किससे फर्ज उनके लिए और अच्छी करो।